डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अपने इस बुक के माध्यम से वॉइस सिखाऊंगा। वॉइस 20 क्वेश्चंस को आप मात्र 2 मिनट्स में सॉल्व कर लेंगे। यह मेरी पुस्तक कॉपीराइट है, यहां आप देख सकते हैं बीए नंबर भी प्राप्त है, यह आईएसबीएन नंबर, और ये सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, वॉइस इज नथिंग बट अ गेम ऑफ वर्ब। गेम को समझेंगे और पूरा वॉइस 2 मिनट्स में सॉल्व करेंगे हम लोग। वॉइस जैसे हम लोग हाथी जैसे विशाल जानवर पर भी कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उसके सोल पे, उसके आत्मा पे नियंत्रण करना होता है, उसी प्रकार से वॉइस का सोल है वर्ब। वॉइस का सोल वर्ब है। वर्ब को आप जान गए, उसके चेंजिंग फॉर्म को आप सीख गए, तो वॉइस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, वॉइस को सोल्व करने के लिए सीजीएल में 100 क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं और रूल को अप्लाई करना होता है उसके साथ साथ, क्योंकि 1 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 4 ऑप्शंस इक्वल टू 5 सेंटेंसेस एंड 5 सेंटेंसेस मल्टीप्लाई 20 क्वेश्चंस इक्वल टू 100 सेंटेंसेस। इस तरह से 100 सेंटेंस को पढ़ना, उस पर रूल अप्लाई करने में मिनिमम 20 मिनट्स लगते स्टूडेंट्स को, लेकिन आज आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से मात्र हम लोग समझेंगे। अभी एक्टिव वॉइस में हम लोग देखेंगे, सेंटेंस यदि भी वन दिया है, सेंटेंस में हमें सिर्फ वर्ब के रूप पे ध्यान देना है, सेंटेंस में यदि भी वन दिया है तो हम पैसिव में देखेंगे कि इज आर एम भी थ्री किस ऑप्शंस में है। जिस ऑप्शन में इज आर एम भी थ्री होगा वही हमारा आंसर होता है, इसीलिए एक भी वन का आंसर इज आर एम भी थ्री। और यदि ऑप्शन में भी टू, ऑप्शन में भी टू है तो हमारा आंसर वाज वेयर भी थ्री। क्वेश्चन में डियर, यदि हमें एक्टिव के क्वेश्चन में भी टू है तो हमारा आंसर होगा वाज वेयर भी थ्री। यदि क्वेश्चन में हम लोग हैज है भी थ्री देख रहे हैं, क्वेश्चन में हैज है भी थ्री है तो हमारा आंसर होगा हैज है बीन प्लस भी थ्री, हैज है बीन प्लस भी थ्री। और यदि क्वेश्चन में डियर, यदि क्वेश्चन में इज आर एम भी फोर है, आप देख रहे हैं इज आर एम भी फोर, तो हमारा चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में इज आर एम बीइंग प्लस भी थ्री होगा। जिस ऑप्शन में इज आर एम बीइंग प्लस भी थ्री होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि क्वेश्चन में इज आर एम भी फोर के बाद इज आर एम आंसर हमारा निकल गया इज आर एम बीइंग प्लस भी थ्री, और यदि ऑप्शन में भी फाइव है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन एक्टिव का भी फाइव आया तो हम ऑप्शन में खोजेंगे इज आर एम भी थ्री किस में है। यदि फिर से देखेंगे हम लोग एक्टिव के सेंटेंस में जो क्वेश्चन दिया है भी फाइव का प्रयोग किया है तो हम लोग देखेंगे इसमें इज आर एम भी थ्री किस में है। और यदि हमारे क्वेश्चन में, यदि हमारे क्वेश्चन में वाज वेयर प्लस भी फोर है, वाज वेयर भी फोर है तो हम लोग पैसिव बनाएंगे वाज वेयर बीइंग प्लस भी फोर। वाज वेयर भी फोर है क्वेश्चन में तो हम लोग पैसिव बनाएंगे वाज वेयर बीइंग प्लस भी फोर। यदि हमारे क्वेश्चन में हैड प्लस भी थ्री है, हैड प्लस भी थ्री है आप देख रहे हैं ऑप्शन क्वेश्चंस में, तो हमारा ऑप्शन होगा हैड बीन प्लस भी थ्री। अर्थात सिर्फ हमें क्वेश्चन के वर्ब को देखना है और उसके चेंजिंग फॉर्म को देखना है। यदि क्वेश्चन में हैड भी थ्री है तो हमारा आंसर होगा हैड बीन प्लस भी थ्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, यदि हमारे क्वेश्चन में
मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद यदि भी वन आया है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद यदि भी वन आया है तो हमारा पैसिव होगा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस वी प्लस वी थ्री। और यदि हमारे क्वेश्चन में, यदि हमारे क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलियरी के बाद है प्लस वी थ्री दिया है तो हमारा ऑप्शंस मॉडल ऑक्सिलियरी प्लस है प्लस वी प्लस वी थ्री होगा। और यदि हमारे प्रश्न में ही दिया गया है इज आर एम टू प्लस वी वन, देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चंस में यदि इज आर एम टू प्लस वी वन दिया गया है, इज आर एम टू प्लस वी वन दिया गया है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इज आर एम टू बी प्लस वी थ्री। और यदि क्वेश्चन में वाज वेयर टू बी प्लस वी वन है तो हमारा ऑप्शन होगा वाज वेयर टू बी प्लस वी थ्री। और दोस्त यदि क्वेश्चन में हैड टू प्लस वी वन है तो हैड टू प्लस वी वन है तो हमारा आंसर होगा हैड टू बी प्लस वी थ्री। यदि क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में यदि डू डज और वी वन है, डू डज और वी वन है तो डू डज के बाद यदि वी वन है क्वेश्चन में तो हमारा ऑप्शन होगा इज आर एम प्लस वी थ्री। यदि सेंटेंस में क्वेश्चन में डीड प्लस वी वन है, डीड प्लस वी वन है तो हमारा आंसर होगा वाज वेयर प्लस वी थ्री, वाज वेयर प्लस वी थ्री। डियर यदि क्वेश्चन में क्वेश्चन ही हमारा वी वन से शुरू हो, यदि क्वेश्चन हमारा वी वन से शुरू हो तो हम लोग देखेंगे वी वन के बाद ऑब्जेक्ट है, यदि वी वन के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसे हम लोग पैसिव में जो यहाँ ऑप्शंस दिया गया रहेगा उसे हम लोग बनाएंगे। वी वन के बाद ऑब्जेक्ट है तो लेट प्लस वह ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस वी थ्री। लेट के बाद यदि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है, लेट वाले क्वेश्चन में लेट प्लस हर प्लस ऑब्जेक्ट है तो हम लोग लेट के बाद उस ऑब्जेक्ट को लाएंगे प्लस वी प्लस वी थ्री करेंगे। और यदि सेंटेंस में हमारा वी वन से शुरू हो रहा है, सेंटेंस क्वेश्चन वी वन से शुरू हो रहा है परंतु उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग ई वार रिक्वेस्टेड या ई वार ऑर्डर्ड या ई वार एडवाइस्ड के बाद टू प्लस वी वन करके इसका पैसिव बनाते हैं। यदि डियर हमारा क्वेश्चन वी वन से शुरू हो और ऑब्जेक्ट है और उसे सलाह का बोध हो रहा है, मीनिंग निकल रहा है सजेशन का, एडवाइस का, तो हम लोग ऐसे बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर सब्जेक्ट अनुसार शुड प्लस बी प्लस वी थ्री। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस शुड प्लस बी प्लस वी थ्री। यह काम कब करेंगे, जब सेंटेंस वी वन से शुरू हो और उससे सलाह का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यदि सेंटेंस लेट से शुरू है और उसमें दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो लेट से सेंटेंस शुरू हो और उसमें दो ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। लेट को ही देखेंगे आंसर में प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे हम लोग लाएंगे लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री और उसके बाद बाई करके हम लोग बाई के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं, बाई के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं। और यदि हमारा सेंटेंस इज आर एम अबाउट टू प्लस वी वन है, इज आर एम अबाउट टू प्लस वी वन है तो आंसर होगा इज आर एम
अबाउट 2B+V3। और यदि हमारा क्वेश्चन में वाज वेयर अबाउट 2+V1 है, वाज वेयर अबाउट 2+V1 है, तो आंसर होगा वाज वेयर अबाउट 2+B+V3। यदि हमारे क्वेश्चन में डियर इज आर एम गोइंग 2+V1 है, तो हमारा ऑप्शन होगा इज आर एम गोइंग टू B+V3। इज आर एम गोइंग टू B+V3 हमारा आंसर होगा। यदि क्वेश्चन में डियर वाज वेयर के बाद गोइंग 2+V1 है, वाज वेयर गोइंग 2+V1 है, तो हम लोग आंसर होगा वाज वेयर गोइंग 2B+V3। यदि डियर क्वेश्चन ही हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड 2+V1। क्वेश्चन में क्या होगा, प्लीज और काइंडली से क्वेश्चन शुरू होगा, उसके बाद V1 होगा, तो हम लोग उसको बनाएंगे प्लीज और काइंडली के बाद, प्लीज और काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। प्लीज और काइंडली के बाद यदि V1 है, तो प्लीज और काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और उसके बाद करेंगे 2+V1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि हमारे क्वेश्चन में डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो हमारा आंसर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। और डियर यदि हमारे क्वेश्चन में डोंट V1 है, डोंट V1 है डायरेक्ट, तो उसको भी हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड नॉट 2+V1। यू आर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड नॉट 2+V1 के बाद जो भी क्वेश्चन में रहेगा शेष प्रश्न के हिस्से को हम लोग छाप देते हैं, उसे हूबहू लिख देते हैं। यदि डियर सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो रहा है और लेटेस्ट दो तरह से लिखे जाते हैं, लेट के बाद एपोस्ट्रोफ के साथ एस और या लेट के बाद डायरेक्ट यूएस अस, तो लेटेस्ट दो तरह से लिखे जाते हैं। लेटेस्ट से सेंटेंस शुरू होगा लेटेस्ट V1 यहां पे क्वेश्चन में है, तो हम लोग इसको बनाएंगे वी आर प्रोपोज्ड 2+V1। वी आर प्रोपोज्ड 2+V1 यह काम तब करेंगे हम लोग जब लेट के साथ V1 आएगा, लेट्स अस के बाद V1 रहेगा। अब डियर हम लोग इस जो एक एक करके यूनिट हम लोगों ने देखा वॉइस का, उसी यूनिट पर हम लोग 2013 सीजीएल का जो 20 क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, वी शुड नॉट इनकरेज। अब आप यहां पे देख सकते हैं शुड प्लस नॉट प्लस V1, तो हमें शुड प्लस V1 से मतलब है शुड मॉडल ऑक्सिलरी और इनकरेज V1, तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1, तो देखिए आप यहां मॉडल ऑक्सिलरी V1 रहेगा, तो हमारा आंसर होगा मॉडल ऑक्सिलरी B+V3। अब ये चार ऑप्शन में डियर मॉडल ऑक्सिलरी प्लस B+V3 मात्र एक ऑप्शन में है और वह है बी। देख सकते हैं आप लोग शुड प्लस नॉट प्लस B+V3, अर्थात हमें नॉट से बहुत ज्यादा अर्थ पे अंतर नहीं पड़ता है आंसर पे, लेकिन शुड मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, यही एक ऑप्शन है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 है, बाकी का ऑप्शन शुड के साथ हैव दे दिया गया है, शुड के साथ सी नंबर में बीन दे दिया गया है और फिर डी नंबर में शुड के साथ बीन दिया गया है, जो कि तीनों ऑप्शंस ए सी और डी गलत है इसके अनुसार, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ V1 है क्वेश्चन में, तो हम लोग का आंसर होगा मॉडल ऑक्सिलरी B+V3 और आप मॉडल ऑक्सिलरी B+V3 मात्र इस एक ऑप्शन में पा रहे हैं, वह है ऑप्शन नंबर बी शुड नॉट B+V3, इसीलिए हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट
ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर टू. वुड ड्रा मॉडल यूनिट प्लस वी वन है और इसका ऑप्शंस एक ही में है, वुड प्लस वी प्लस वी थ्री वुड बी ड्रॉन, जो डी नंबर में है, इसीलिए हमारा आंसर डी होगा. क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे. गेम वी टू है डियर, जब वी टू है तो वी टू का आंसर वाज वेयर वी थ्री, और वाज वेयर वी थ्री चारों ऑप्शन में किस में है, बी नंबर में, वेयर यू गिव है. बाकी में आप देख सकते हैं हैज है, वाज है और डायरेक्ट हैड दिया गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा बी, क्योंकि यू के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, यू के साथ हम वाज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, आर प्लस वी फोर इज आर एम वी फोर, देख सकते हैं इज आर एम वी फोर, तो आंसर होगा इज आर एम बी प्लस वी थ्री, इज आर एम बी प्लस वी थ्री मात्र बी नंबर में है, आर बी वी थ्री. बाकी के ऑप्शंस में देखिए, ए नंबर में बी प्लस वी थ्री दिया है, सी नंबर में डायरेक्ट वी थ्री दिया है आर के बाद, और डी नंबर में वी फोर दिया गया है बी के बाद, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा वो. क्वेश्चन नंबर फाइव, दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर, दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर. अब आप देख सकते हैं डियर, है प्लस वी थ्री का प्रयोग किया गया है, है प्लस वी थ्री का प्रयोग किया गया है, तो हमारा आंसर होगा हैज हैव बीन प्लस वी थ्री. अब हैज हैव बीन प्लस वी थ्री ए नंबर में विल बी है, बी नंबर में डी हैड बीन, और डी में शैल बी, जो कि असंभव है, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी हैव बीन वी थ्री. क्वेश्चन नंबर सिक्स, शैल वी वन शैल राइट वी वन मॉडल ऑक्सिलरी वी वन के साथ मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वी प्लस वी थ्री. देखिए ए नंबर में इज राइटिंग, सी नंबर में हैज रिटेन, डी में हैव बीन हैज बीन रिटेन, आंसर क्या होगा विल बी प्लस वी थ्री, विल बी प्लस वी थ्री एक में ही है, वह है क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए आंसर हो जाएगा विल बी रिटन. क्वेश्चन नंबर सेवन, यहां देखेंगे डियर, विल बी प्लस वी थ्री, यह क्वेश्चन ही पैसिव में है, क्वेश्चन ही पैसिव में है, आपको वो एक एक जो वॉइस का यूनिट आ रहा था उस समय आपको बताया गया है कि वॉइस वर्सा, यदि सेंटेंस क्वेश्चन हमारा पैसिव में है तो हमें ऑप्शंस एक्टिव के देखने होंगे, तो ये जो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव देख रहे हैं, दोनों साइड से तीर दिया गया है यहाँ, तो इसमें हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वी थ्री है, तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वी थ्री है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर होगा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वी वन. और अब आप ध्यान से देखिए, तो चार ऑप्शंस में से किन में, चारों ऑप्शन में से किन में आपको मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वी वन दिख रहा है, तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वी वन यहां आपको लगभग ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, लेकिन ए नंबर में वह विल हेल्प असंभव है होना नहीं, हमारा ऑप्शंस था वी, वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, इसीलिए और उसको ऑब्जेक्ट बनाया गया था, और हमारा आंसर इसमें बी होगा. बाकी के ऑप्शंस भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस पे सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर वह है. क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, विल प्लस ब्लेस विल बी भी वन है, क्वेश्चन हमारा है विल ब्लेस विल भी वन है, तो आंसर जाएगा विल बी भी थ्री, विल बी भी थ्री आप देख सकते हैं किस ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए हमारा आंसर बाकी के ऑप्शंस में आ देख रहे हैं शुड बी भी थ्री, हैव बीन भी थ्री, वुड बी भी थ्री, यह असंभव है. मॉडल वी प्लस भी वन का आंसर मात्र मॉडल ऑक्सिलरी भी वन जो वर्ब है उसका आंसर हो जाएगा मॉडल वी बी प्लस वी थ्री. क्वेश्चन नंबर नाइन, पनिश्ड वी टू है, तो वी टू का आंसर क्या दिया गया है, वाज वेयर वी थ्री,
वाज वेयर भी थ्री, एक ही ऑप्शन में आप गौर से देखेंगे वाज वेयर भी थ्री, तो वाज के बाद भी थ्री एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा सी। बाकी ऑप्शंस में इज भी थ्री है ए नंबर में, बी में इज बीइंग पब्लिश्ड है, और डी नंबर में वाज बीइंग पब्लिश्ड है नहीं होगा, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, मस्ट कीप मस्ट मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी कीप भी वन, आंसर होगा मॉडल ऑक्सिलरी बी प्लस भी थ्री, वह है सिर्फ किसमें बी में, ए में आप देखिए आर केप्ट, सी में वेयर कप्ट, डी में मस्ट केप्ट, लेकिन हमारा होना चाहिए आंसर क्या मस्ट बी केप्ट, और मस्ट बी केप्ट एक में है वह है हमारा बी, इसीलिए आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब आपके स्क्रीन पे आएगा 11 नंबर, मेड मेड भी टू हेड ईयर, तो भी टू का आंसर वाज ईयर भी थ्री, अब वाज ईयर भी थ्री देखिए बी में वुड भी वन, सी में माइट भी वन, डी में हैव टू वर, असंभव है भी टू का आंसर तो होगा वाज वेयर भी थ्री, अब वाज वेयर भी थ्री तो वी वेयर मेड यही है वेयर भी थ्री, यही आंसर होगा हमारा ए नंबर वी वेयर मेड टू वर बाय हिम, यहां हमारा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 और लेटर हैज बीन रिटन, क्वेश्चन पैसिव में है तो वाइस वर्सा आप देख रहे हैं यहां एक्टिव से पैसिव, पैसिव से वर्ब एक्टिव, पैसिव में हैज बीन भी थ्री का एक्टिव हमें सुनना है, अब एक्टिव होगा हैज प्लस भी थ्री, हैज प्लस भी थ्री एक ही ऑप्शन में है, हैज है भी थ्री इसमें डी में, और इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। सी में हैड दिया है असंभव है, आई के साथ हैज दिया है बी में वो भी असंभव है, और ए नंबर में हैव बीन दिया था वह गलत था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यह भी पैसिव में है डियर, देखेंगे हम लोग कांट ड्रॉ, तो कांट ड्रॉ यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यह एक्टिव में है और ऑप्शन जो पैसिव है पहला पैसिव का ऑप्शन हमें दिख रहा था जो पैसिव में है, पहला ऑप्शंस जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं पैसिव के पहला ही ऑप्शन दिख रहा था मुझे और वह पैसिव में है, क्योंकि क्वेश्चन आपका है कान प्लस भी वन, कैन नॉट आप उसको कैन नॉट भी बोलते हैं या कांट भी बोलते हैं, कांट भी वन तो उसके हम लोग ऑप्शंस बनाएंगे कांट प्लस बी प्लस भी थ्री, और कांट प्लस प्लस बी प्लस भी थ्री एक ही ऑप्शंस में है वह है ऑप्शन नंबर ए, बाकी ऑप्शंस में ये नहीं दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शन में कैन नॉट बी ड्रैन दिया गया है वह गलत है, कुड नॉट दिया गया है और फिर बाकी में भी कुड नॉट दिए गए हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 13 का आंसर वेरी इजली आपने ये बताया। क्वेश्चन नंबर 14, हैड कंगरा कंस्ट्रक्टेड है, हैड कंस्ट्रक्टेड हैड प्लस भी थ्री, तो हैड प्लस भी थ्री है आंसर हो जाएगा हमारा हैड बीन प्लस भी थ्री, अब हैड बीन प्लस भी थ्री एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है वह है डी हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, और बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं वाज बीन है वाज कंस्ट्रक्टेड है और हैज बीन कंस्ट्रक्टेड है, इसीलिए हमारा हैड भी थ्री है तो आंसर होगा हैड बीन प्लस भी थ्री, इसीलिए ऑप्शन वो हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, डोंट इन्फॉर्म, तो आपको बताया गया था डोंट प्लस भी वन से सेंटेंस शुरू हो, डोंट प्लस भी वन से सेंटेंस शुरू हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग बनाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी थ्री, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी थ्री एक ही ऑप्शन में है बाकी वो किसी ऑप्शन में नहीं है वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए डियर आंसर होगा हमारा इसका बी, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, यह एक ही ऑप्शन में है बाकी ऑप्शन से सभी वर्ब पे आप देखेंगे ध्यान से तो वह कुछ का कुछ वर्ब दिया गया है और इसीलिए वो हमारा आंसर नहीं होंगे, डोंट प्लस बी वन से है इसीलिए हमारा आंसर भी शुरू होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी थ्री, इतना ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हैव स्पॉटेड क्या है, तो हैव बीन
have and has been three. Has have been three का आंसर हम लोग बनाएंगे has have been plus been three. Has have been plus been three. देखिए ध्यान से किसी ऑप्शंस में नहीं है. ये 2013 टीयर 2 का क्वेश्चंस हैं. आपके पास भी क्वेश्चंस हो गए सभी जगह क्वेश्चन पे आप व्याप्त है आप देख सकते हैं. तो have been three का आंसर have been been three एक ही ऑप्शन में है और वह है डी. क्वेश्चन नंबर 17 rescued V2 Harrier और V2 का आंसर होता है was your V3. was your V3 किसी ऑप्शंस में नहीं है. ध्यान से आप देखेंगे किसी ऑप्शंस में नहीं है. मात्र एक ऑप्शन में है वह है बी were rescued और कहीं नहीं है. आप देख सकते हैं अपने से आर V3 दिया है ए में, बी में दिया है विल बी V3 और डी में दिया गया है आर बीइंग V3. तो असंभव है क्योंकि V2 क्वेश्चन तो आंसर होगा was your V3. क्वेश्चन नंबर 18 will have written मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3. तो हमारा आंसर होगा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3. मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 एक ही ऑप्शन में है और वह है डी. इसलिए हमारा आंसर होगा डी. बाकी के ऑप्शन में डियर ये क्वेश्चंस नहीं है. ये क्वेश्चंस का वो आंसर नहीं है जो हम लोग खोज रहे हैं क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 है तो उसका आंसर हमारा डी. 19 नंबर में आप देख सकते हैं एडवाइस्ड वो V2 है और V2 का आंसर हम लोग खोजते हैं वाज वेयर V3. वाज वेयर V3 किसी ऑप्शंस में नहीं है. आप गौर से देखें किस ऑप्शन में नहीं है. एक में है वाज एडवाइस्ड और यहां पे आप देख सकते हैं डी में भी है लेकिन उसका अरेंजमेंट सही नहीं है इसीलिए हमारा आंसर होगा सी. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन नंबर 20. यहां भी V2 है. V2 का आंसर हम लोग बार बार बनाते हैं वाज योर V3. वाज योर V3 वाज योर तुरंत साथ में V3 एक ही ऑप्शन में है ए में है लेकिन बी नंबर में इज रिटेन, सी नंबर विल बी रिटेन और डी वाज बीइंग रिटेन. यह तीनों असंभव है क्योंकि क्वेश्चन V2 है तो हमारा आंसर होगा वाज हियर V3. इस रेसिडियल टियर 2 2013 के 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.